प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन पहुंचे और कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया के साथियों से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। बैलिस्पन ग्रुप जो देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्रुप है, दुनिया के 35 देशों में जो अपने निर्यात को, जो अपने उत्पाद को निर्यात करता है, उन्होंने ये फैक्ट्री यहां पे लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है पाइप बनाने की। और मुझे खुशी है कि 2018 के अंत में आपके साथ बात हुई थी, हमने निमंत्रण दिया था कि मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मध्यप्रदेश में भी रायसेन जिले में मंडीदीप में काफी इंडस्ट्री थी, तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरफ आइए। तो एक दूसरी लोकेशन है रायसेन की जहां इंडस्ट्री आना शुरू हुई है, आपके साथ और भी इंडस्ट्री यहां आ रही है, आप देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ये इलाका एक इंडस्ट्रियल स्टेट में परिवर्तित होगा। लगभग 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 300 लोगों को डायरेक्ट रोजगार है, 1000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी शुरू आ रहे हैं। अभी बैलिस्पन ग्रुप को मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सोलर पावर के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी अपना निवेश करना चाहता है। और मध्यप्रदेश सरकार ने जो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोड मैप बनाया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, कहां करना यार, उसका सबसे मुख्य आयाम है रोजगार और अर्थव्यवस्था, और रोजगार आएंगे उद्योगों से। उसका पूरा रोड मैप हमारा बना हुआ, उसी पे हम काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि कोरोना काल में भी ये बैलिस्पन ग्रुप ने अपने इस काम को अंजाम दिया है, और लगभग 10,000 करोड़ रुपया और वो निवेश करेंगे, ये मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है। हम एक काम और करेंगे जो विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, जो बैलिस्पन ग्रुप ने तय किया है, यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम, स्किल डेवलप करने का काम, हुनर सिखाने का काम, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी हुनरमंद है, काम जानती है, तो रोजगार मिलेगा। और जितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आना है, जो हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, जो काम जानते हो। तो एक अभियान है नौजवानों को रोजगार का, और एक और खुशी है कि उसमें बेटियों को भी रोजगार, यहाँ बड़ी संख्या में बेटियां भी काम कर रही हैं, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बेटों के साथ बेटियां भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने तो तय कर दिया कि जैसे बेटे काम करते हैं, अगर बेटियां भी चाहें तो 3 शिफ्ट में, 3 पारियों में काम कर सकती हैं, वो अलाउ किया है हमने। तो बेटों को, बेटियों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इसमें ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। मैं ग्रुप को बधाई देता हूँ। प्रभु राम जी, आप आए उधर से इधर, चुनाव जीते और उद्योग आ गए, सही जगह आए आप। और हमारे उद्योग मंत्री निरंतर प्रयासरत है उद्योग लाने के। 25% महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ऐसी कोई नीति बनाने, मैं जरूर एक इस पर विचार कर रहा हूँ, जिसमें बेटों के साथ बेटियों को भी रोजगार मिले, विशेषकर उनको ट्रेनिंग देने में, स्किल्ड करने में, बाकी चीज में। हम इंडस्ट्रीज के साथ भी बैठ के बात करेंगे कि सहयोग करके हम बेटियों को भी रोजगार बेहतर कैसे दिला सकें।